हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनेश। मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद मुनेश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पचरंगा रायता। आप इसको वेजिटेबल रायता भी बोल सकते हैं। और इसके लिए हमने सब्जियां ली हैं, आप देख सकते हैं। मैंने गाजर ली है, ये बारीक कटी हुई, और मैंने यहाँ खीरा लिया है, ये भी इसी आकार में कटा हुआ है, बराबर शेप में। और मैंने यहाँ ओनियन प्याज लिया है कटा हुआ, हरी धनिया पत्ती ली है कटी हुई, और दो हरी मिर्च भी ली हैं बारीक बारीक कटी हुई। और मैंने यहाँ लिए हैं अनार के दाने, ये हमने अनार के दाने निकाल कर रखे हुए हैं। और मैंने 3 बड़े बाउल यहाँ दही ली है, ये मीठी दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, बिल्कुल खट्टी दही हमें यूज़ नहीं करनी, मीडियम होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिया है काली मिर्च 6 से 7 पिसी हुई, और हमने लिया है यहाँ नमक, काला नमक 1/2 चम्मच से भी कम, आप अपने स्वाद अनुसार लें। आप इसमें लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसमें काली मिर्च ही डालें, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करें। हमने राई ली है एक छोटी सी कढ़ाई में, आप देख सकते हैं। और मैं अब गैस चलाऊंगी, गैस जला लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको चटका लेंगे। जब तक हमारी राई चटकती है तब तक हम इस प्रकार किसी मिक्सर की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दही मिक्स हो चुकी है बहुत अच्छे से, और राई भी मेरी पूरी चटक चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत अच्छे से हमारी ये दही घुल चुकी है, अच्छा सा इसका ये बनकर तैयार हो चुका है बैटर। अब इसमें हम अपनी नमक डाल देंगे और काली मिर्च। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही रखें, हल्का ही नमक रखें। हम इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी सभी सब्जियां डाल देंगे। ये बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में तो बहुत पसंद आता है। आप 5-स्टार होटल में जैसे बैठकर खा रहे हो इस प्रकार बनकर तैयार होगा। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, इसलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बहुत ही थोड़ा सा डाला है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें अपनी चटकी हुई राई डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही जल्दी 2 मिनट में बनकर तैयार हो चुका है। खाने के लिए ये रेडी है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।